विटामिन ए की एक ऐसी क्रीम आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी स्किन से किसी भी तरह के दाग धब्बों को दूर करके आपकी स्किन को फ्लॉलेस और ब्यूटीफुल बनाने में बहुत ही असरदार है। स्किन में अगर आपके पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है या फिर किसी भी तरह के डिसकलरेशन है, उसको दूर करके आपकी स्किन को बिल्कुल बेबी सॉफ्ट और ग्लोइंग बना देगी। हाय गाइस, वेलकम टू ब्यूटी सीक्रेट्स रिवील। आज आपके साथ में एक ऐसी मिराकुलस क्रीम शेयर कर रही हूँ जो कि स्किन के सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में असरदार है। बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसको बनाना देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। ट्राई करें कि प्योर फॉर्म में एलोवेरा जेल को यूज़ करें, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में मिल रहा हो, उससे इस क्रीम का बेनिफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एलोवेरा जेल स्किन को सूथ करता है, स्किन को काम करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है, दाग धब्बों को भी दूर करता है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है विटामिन ई के कैप्सूल। मैं यहाँ पे इवियन के विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। 2 कैप्सूल इसमें ऐड करना है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। अगर आपके पास घर में विटामिन ई ऑयल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि दाग धब्बों को दूर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट है। स्किन को ब्राइटन करता है, स्किन को लाइटन करता है, दाग धब्बों को हमारे फेस से बिल्कुल दूर कर देता है। 2 कैप्सूल मैं यहाँ पे कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, स्किन को बिल्कुल रोजी पिंक बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कोई भी एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 to 2 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल ऐड कर रही हूँ और लास्ट में इसमें ऐड करना है आलमंड ऑयल। 1 teaspoon आलमंड ऑयल इसमें ऐड करना है। आलमंड ऑयल स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने में असरदार है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप देखेंगे कितनी ब्यूटीफुल क्रीम बन के रेडी हुई है ये। इस क्रीम को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। इसको स्टोर करने के लिए आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें तो ये ख़राब नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको रात को अपने क्लीन फेस पे इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको किसी भी फेस वॉश, जिससे भी अपना मूड होते हैं, उसे धो लें। गंदे फेस पे इसको अप्लाई बिल्कुल मत करें। अपने फेस पे डैब डैब करके इसको अप्लाई करना है, जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। अप्लाई करने के बाद अच्छे से मसाज करें, अपनी स्किन में इसको पैक कर लें और रात भर के लिए इसे अपने फेस पे लगाए रहने दें। इस क्रीम को ज़रूर बनाएं और इसे 15 to 20 डेज़ यूज़ करें। रिज़ल्ट मेरे साथ इसे शेयर करें ताकि लोग जो पढ़ते हैं वीडियो देखने के बाद उनको भी पता चले कि क्रीम कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वो भी बना के इसे यूज़ करें और इसका बेनिफिट लें। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।